किथे वई अज किथे वई नारा भुट्टो वेलकम वेलकम आसू साहब वेलकम सरकारी। बातें तो बहुत कहने की हैं, बातें तो इतनी हैं कि मैं सारे दिन आपसे बात करता रहूं और कम नहीं होगी, मगर छोटे से कूजे में कि इंशाल्लाह पीपुल्स पावर के खिलाफ जो भी आएगा, चाहे वो सरदार हो, चाहे माफ करना सरदार साहब या कोई पीर हो मीर हो, बात सीधी सीधी है, न पीर जो न मीर जो, वोट बेनजीर। आप समझते हो मैं मजाक करता हूँ, वो मुझसे ख्यालों में मेरे साथ रहती है। अगर मैं सोचता हूँ कि अगर बीबी होती तो क्या करती, अगर इस तरह पार्टी होती भुट्टो साहब होते तो क्या करते, क्या होते, और उन सबको सोच के मैं आइडिया निकालता हूँ, सबको सोच के मैं बात बात करता हूँ और सब चीजों को। मैंने इनको पहले दिन कहा कि अगर नैब चलेगी तो हुकूमत नहीं चलेगी, अब ये नैब चला रहे हैं, हुकूमत नहीं चलेगी। इनके अपने सेक्रेटरीज किसी को साइन करने के लिए तैयार नहीं है, किसी भी एग्रीमेंट पे किसी, हालांकि अभी रिलैक्सेशन दे रहे हैं नैब में, इससे क्या होगा, जो नुकसान हो गया था तो वो तो हो गया। अब डॉलर वंस 80 पे 200 क्रॉस कर रहा है और अब आप बात कर रहे हैं, जरूरत ही नहीं थी ये डिवैल्यूएशन की। ये डिवैल्यूएशन करने वाले जाहिल हैं, ये जितने भी बाहर से आते हैं पढ़ लिखे, ये जाहिल हैं, जाहिल मुतलिक हैं, जो के डिवैल्यूएशन कराते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, जरूरत ही नहीं थी इनको। और इनको समझ नहीं आई कि जितना हमारा कर्जा है वो डबल हो गया, अगर पहले 30 बिलियन था तो अब हमें 60 बिलियन देना पड़ेगा, मगर कोई मसला नहीं है पीपुल्स पार्टी के लिए, इनके लिए मसले हैं, इसलिए कि ना इनको जन है ना कन है, कोई खबर नहीं थी।